बिंदु कैसे थी मैं साड़ी अच्छी लग रही है ठीक है गाँव में फेमस कर देगी हैप्पी हैप्पी मॉर्निंग। तो बिंदु को तो मैं अच्छी लगी, आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ मुझे जल्दी से बता दीजिए जी। तो आप लोगों ने मेरा टीजर देखा न्यू सॉन्ग का, मतलब ही यारियां, कैसा लगा आप लोगों को? उसकी मैं दो लाइंस आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी अभी, और जल्दी रिलीज होने वाला है और उसे खूब सारा प्यार देंगे आप लोग, देंगे ना। सोई नजर में सौ दर्द जागे, बिखरती गई मैं जोड़े जोड़े धागे, हारियां यारा मतलबी थी तेरी यारियां। ये तो हुई मेरे नए गाने की बात, और दूसरा प्यारी समझ गई हाँ जी क्या कह रहे हो आप? आज तो कमाल लग रहा है। थैंक यू। एक गुलाब का फूल लगा ले तो मोर मस्त। अरे बाप रे, ठीक है ठीक है, बोलते हैं भैया को। अब आगे ध्यान से जाओ। ठीक है, थैंक यू वाओ निकलते इतने अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट, सच में अच्छी लग रही हूँ क्या मैं? गुलाब का फूल मैं क्यों लाऊंगी? हाँ वो तो हस्बैंड का आना बनता है ना। अभी बोलती मुझे अभी गुलाब का फूल ला के दो। मुझे पता उनका जवाब क्या होगा कि तुम्हें फूल की क्या जरूरत, तुम खुद एक फूल हो, मुझे पता है उस फूल का मतलब क्या है, मुझे ये भी सब पता है। इडली मेकर स्टैंड चाहिए मुझे। तो मैं आई बर्तनों की शॉप में क्योंकि मुझे लेना था इडली मेकर, मुझे कुकर आता है, और मुझे कुछ मग्स लेने थे, कॉफी मग्स। किस कंपनी का है? इसमें अच्छे ब्रांड्स नहीं आते? वो कितने का विनोद का, ये कितने का, क्या रेट है उनका? कितना? 1555 लेस करके 1200। मग्स ये वाले और भी है मग्स? ठीक है निकाल दो। ये वो अनब्रेकेबल है, ये प्लास्टिक तो नहीं होता ना, ये इसमें गरम वरम डाल सकते हैं। ये कितने के हैं? 159 लेस करके 130। आंटी आंटी एक सेकेंड सुनिए। हाँ जी जी, वो अभी काफी फेमस हुआ था, आप ही का डायलॉग था जो टीवी पे है? आप क्या डायलॉग था आपका? प्यारी समझ। कितना फेमस हुआ था वो डायलॉग? बहुत ज्यादा हो गया था, बहुत हर जगह चल रहा है। दोबारा सबके लिए बोल दीजिए एक बार, सबके लिए बोल दीजिए एक बार, प्यारी समझ गई, प्यारी समझ गई। थैंक यू। मैं ही रहती हूँ पास में, मैं तो पहचानती हूँ आपको। जब हमने टीवी में देखा तो हमने कहा कि अरे ये तो पार्क जाती ना रोज भी। हाँ अब नहीं आते क्या वहाँ पार्क में आप? रोज जाती हूँ, रोज अभी भी। आपका नाम क्या है वैसे? वैसे मेरा नाम से तो कोई नहीं जानता मुझे।
सुभाष है लड़कों का नाम नहीं, कोई नहीं, प्यारा नाम है। मेरा नाम था सुभाषिनी बचपन में, सुभाषिनी फिर नौकरी करी ना दसवीं में, जैसे वो लिखवा दिया जो वही चलता रहा फिर। अच्छा। सुभाष रानी अरोड़ा थी पहले में। अच्छा, ये हो गई सुभाष रानी अबूजा। अच्छा, शादी के बाद। अच्छा, अब इस नाम को तो जानता ही नहीं। प्यारी समझ गई, जानते हैं आपका चेहरा बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा है आपका, मुस्कुराता हुआ चेहरा है आपका, हंसते रहते हो हमेशा। वो जो लड़कियां थी ना 18-19 साल की थी मुश्किल से। अच्छा। एक ने पकड़ रखा था चैनल वो उसका कैमरा, एक ने स्पीकर। कह रही आंटी आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा कह रही लोग ना बहुत डर रहे हैं बीमारी पूरी, पता है कौन सी बीमारी है? मैंने कहा हाँ पता है। कह रही पार्क में आ जाती हो रोज, टीवी में आता है बच्चे ना निकले बुजुर्ग ना निकले, मत आया करो। वो मुझे डरा रही थी कि पार्क मत आया करो, मैं क्यों नहीं आऊँ, मैं तो रोज आऊँगी। नहीं मत आया करो, यहाँ कुछ हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। मैंने कहा होनी को कोई रोक सकता है? होनी को तो कोई भी कोई रोक सकता, जो होना होगा वो तो होकर ही रहेगा। नहीं मत आया करो, मत। खूब डराया उसने मुझे। मैं जो होना होगा हो जाएगा, बड़ी दिलेरी से कह रही हो ऐसे डरा करो फिर मान जी। मैंने कहा मैनेजर थी कुछ नहीं होता मुझे। फिर दूसरी कह रही है चलो ये तो बात नहीं मान रही, मास्क के बारे में क्या विचार है? मैंने कहा मास्क होता क्या है? मुझे मास्क ही नहीं। अच्छा। कह रही मास्क होता है ये नाक ढको मुँह ढको, यहाँ कपड़ा लगा के आया करो। मैं कपड़ा लगा दी मुझे मारेगी क्या, सांस भी नहीं लेने देगी? मैं सांस भी ना तो बोलूँ भी नहीं, नहीं यही एक बचने का तरीका है। मैंने कहा ना मैं नहीं लगाती मास्क, मेरी दोनों बातें नहीं मानती है तो मुश्किल हो जाएगा ये। मैं फिर जब प्रेशर डालने लगी ना बहुत ऐसे बताया करो ये, फिर मैंने कहा देखो सवेरे 2-2.5 घंटे हम आ जाते हैं पार्क, शाम को चले जाते हैं सत्संग में। मुझे नहीं लगता कोरोना मेरे नज़दीक भी आ जाए। कह रही क्योंकि सत्संग में जाते हैं। मैंने कहा हाँ सत्संग में जाते हैं, प्यारी समझ। हाँ यही डालो का आपका। तो ये लाइन उन लोगों ने काट ली, ये लोगों ने पकड़ ली लाइन। पूरी देखी है? हाँ मैं देखी है, मुझे याद है। मैंने गलत क्या बोला? अच्छा बोला आपने, अच्छा बोला ना। सत्संग जाते हैं इसलिए बहुत अच्छी बात बोली आपने, नेचुरली बात कही है, बहुत अच्छी। लोगों ने प्यारी समझ ली, काट ली। हाँ तो आप कितने फेमस हो गए ना, सुनने में अच्छा लगा। अच्छी बातें करते हैं मेरे को। मेरा भाई का लड़का कहता है बुआ पता क्या है, मैं अपने दोस्तों को नहीं पाता ये मेरी बुआ है। अच्छा। गंदी गंदी बातें करते हैं फिर आप वो बच्चों ने बना लिया होगा, बच्चों ने हंसी मजाक में। मैंने कोई गलत बोला? आपने तो अच्छी तरीके से बोला ना, अच्छा सोच के बोला आपने। हाँ अब लोग काट के लगा रहे हैं तो मैं क्या करूँ? बच्चे शैतानी थोड़ी करते होंगे, लगा देंगे कहीं पे। बिल्कुल सही बोला, करने तो अपना मनोरंजन कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं मीडिया जाओ उन्हें चप्पल मारो, जो कह रहे मुझे क्या पड़ी इस उम्र में। नहीं 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 आपने अपनी तरफ से अच्छा किया, बस क्या पड़ी, मैं मस्त मेरे कर। कहाँ तक रोकोगे आप लोगों को ना, बस अपना अपना मनोरंजन करने तो क्या है, आप फेमस हो गए बस। आप सब ठीक है बस? थैंक यू आंटी, बाय। ओके बाय।